सारांश में आपका हार्दिक स्वागत। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और शेयर कीजिए हमारे वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी भरपूर लाभ मिल सके। नकसीर की परेशानी अगर है तो उसे जितनी जल्दी दूर किया जाए उतना अच्छा, और अगर आपको भी नकसीर फूटती है तो आज आपको कुछ घरेलू उपाय बता रहे हैं। नाक से अचानक खून की धार फूटने को नकसीर कहते हैं। यह बच्चों तथा युवकों को अधिक होती है, लेकिन किसी भी अवस्था के लोग इससे पीड़ित हो सकते हैं। दरअसल शरीर का रक्त गर्म होकर पतला पड़ जाता है। जिनकी प्रकृति पित्त प्रधान होती है उनका पतला रक्त नाक के द्वारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। नाक से निकलने वाला यह रक्त पित्त रोग के अंतर्गत माना जाता है। जो लोग गर्म तासीर वाले भोजन के शौकीन होते हैं, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का अधिक सेवन करते हैं या फिर धूप में अधिक देर तक कार्य करते हैं, उनको यह रोग बड़ी जल्दी हो जाता है। नकसीर फूटने पर रोगी को तुरंत किसी ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए। प्राथमिक उपचार के लिए उसकी नाक को धोकर उस पर ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए। पट्टी अगर माथे पर भी रखेंगे तो भी रोगी को काफी मदद मिलेगी, काफी राहत मिलेगी। खून बंद होते ही नाक के नथुनों की सफाई करें। यदि रोगी जूते, मोजे या मोटे कपड़े पहने हुए हो तो उसे तुरंत उतार दें। पैरों के तलवों पर देशी घी या मक्खन की मालिश करें। गुलाब का फूल व खस की जड़ को पानी में भिगोकर या पुदीना पीसकर बार बार सुंघाना भी लाभदायक होता है। आइए आज आपको बताते हैं इस परेशानी के घरेलू उपाय। आम की गुठली को पीसकर उसका रस निकाल लें, फिर इस रस को नाक में बूंद बूंद करके टपकाएं, काफी राहत मिलेगी। जरा से गन्ने के रस में 8-10 बूंद प्याज का रस मिलाकर नाक, कनपट्टियों तथा माथे पर धीरे धीरे मले, आराम मिलेगा। माथे पर फिटकरी का लेप करने से नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। 1 चम्मच आंवले का चूर्ण तथा 1 चम्मच गुलहठी का चूर्ण दोनों को मिलाकर रोगी को दूध या ताजे पानी से सेवन करवाएं, काफी फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं अनार की पत्तियों की। 10 ग्राम अनार की पत्तियों का रस, 10 ग्राम गेंदे की पत्तियों का रस तथा 10 ग्राम दूब का रस, तीनों को गाय के घी में मिलाएं तथा इस मिश्रण को थोड़ी देर तक आग पर पकाएं। फिर इसमें से 1 चम्मच दवा रोगी को पिलाएं। नाक तथा माथे पर उस घी की मालिश करने से भी काफी राहत मिलती है। रात में गुलाब जल में किशमिश पीसकर सेवन करें। इस रोग के लिए यह एक कारगर उपाय है। सूखे धनिये के थोड़े से दानों को ताजे पानी में भिगो लें, फिर उनको पीसकर मिश्री डालकर रोगी को 3-4 बार खिलाएं, काफी राहत मिलेगी। पेठे की मिठाई खिलाने तथा पेठे का शरबत पिलाने से भी नकसीर आना बंद हो जाती है। आंवले के रस में सेंधा नमक डालकर सेवन करें तथा उसी रस की कुछ बूंदे नाक में भी टपकाएं। माथे पर तुलसी के पत्तों का लेप करने से खून आना रुक जाता है तथा रोगी को काफी आराम मिलता है। मुल्तानी मिट्टी भिगोकर नाक तथा माथे पर लेप करने से नकसीर में काफी लाभ होता है। ताजे नींबू का रस निकालकर नाक में टपकाने से भी नकसीर आना बंद हो जाती है। नींबू की शिकंजी पिलाने से भी नाक से खून बहना रुक जाता है। यदि नकसीर फूटने पर बहुत देर तक खून ना रुके तो 2 चम्मच जौ या गेहूं का आटा कच्चे दूध में अच्छी तरह से घोलकर पिला दें, खून जल्द ही रुक जाएगा। गाय के दूध में थोड़ी सी फिटकरी डालकर रोगी को बार बार सुंघाएं। अजवाइन तथा नीम के पत्तों को पीसकर लेप बना लें, फिर इसी लेप को रोगी की कनपट्टियों और माथे पर लगाएं, काफी राहत महसूस होगी। दोस्तों, हमारे चैनल सारांश पर बताए गए सभी प्रयोग आयुर्वेद के अनुसार और आजमाए हुए होते हैं। आप भी इनका लाभ उठाकर स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। धन्यवाद आपका।